So, uh, ये हमारा जो है फाइनल टूरी कैड टूरी का जो टॉपिक है जिसमें हमने क्विकली जो uh, चीजें बनाई हैं उसको जब हम एक्सपोर्ट करते बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि लोग जाके प्रिंटर uh, को कह रहे होते हैं कि आप मैंने ये बना लिया और प्रिंट करके दें तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रिंट फाइनली होती कैसी है और इसमें हमने जितने कंपोनेंट्स खुद बनाए हैं हम क्विकली उनकी प्रिंटिंग करेंगे मैं मेथड आपको सिखा दूंगा इसके बाद आप चाहें तो आपके पास जितने कंपोनेंट्स क्यों ना हो कितने ही कंपोनेंट्स आप सब सबको इकट्ठा कर सकते हैं और उन सब का एक कलेक्टिव आप जो है वो पी uh, में सेव कर सकते हैं वो पी हम जिस जगह भी जाएँगे हम उसको फर्दर uh, वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं शीट साइज़ ट्वेंटी बाय थर्टी हो सकता है इंचज की मैं बात कर रहा हूँ थर्टी बाई फोर्टी हो सकता है सो so, वेरी करता है सो so, अब हम बढ़ते हैं कैड की तरफ ताकि जो हमने ड्राइंग्स मुकम्मल की हैं क्विकली हम उन ड्राइंग्स की उनको एक्सपोर्ट करके उनका एक पी बना सकें सो so, ये हमारे पास हमारी आ, ड्राइंग्स हैं इसमें से मैंने बाकी ड्राइंग्स जो हैं वो डिलीट कर दी हैं सिर्फ आप अपने मेन ड्राइंग्स आ, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था ये फर्स्ट फ्लोर है ये हमारी जो कल आ, जो हमने लास्ट टॉपिक में एलिशन बनाई है ये हमारा सेक्शन है ये शेड्यूल ऑफ डोर्स हैं और विंडोज़ हैं और ये हमारे पास लोकेशन प्लान है अब इसके अलावा आपके पास और जितनी भी ड्राइंग्स क्यों ना हो यहाँ पे जिस तरह हमने प्रीवियस टॉपिक्स में देखा है कि हमने हाउस प्लान की सबमिशन के वक्त देखा कि फाउंडेशन अगर आपके पास डिटेल्स हैं या किसी भी तरह की डिटेल्स यहाँ मौजूद हैं बस एक काम आपने ये करना है कि उनको कॉपी पेस्ट करके अलाइन कर अलाइन से मुराद है कि एक तरतीब में रख लेना है फॉर एग्जांपल ये जिस तरह मेरे पास ये अगर शेड्यूल ऑफ़ डोर्स था तो एम एंटर करके तो इसको आपने इकट्ठा करके इनको किसी भी ऐसी जगह पे अब ये आप देखें तो थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर लग रहा है अब हम स्टेप वन की तरफ जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर ली हमारी ड्राइंग्स यहाँ पर मौजूद हैं सो ये हम मॉडल व्यू में है यहाँ से हम लेआउट व्यू में आ जाते हैं सो so, जैसे हम लेआउट व्यू में आते हैं तो ये हमारे पास या हम लेआउट टू में आ जाते हैं तो ये हमारे पास जो है लेआउट वन में आ जाए टू में आ जाए कोई नया लेआउट ऐड कर सकते हैं आप लेआउट को डिलीट कर सकते हैं नाम चेंज कर सकते हैं रीनेम तो आपके पास ऑप्शन हैं सो लेआउट टू में हम आते हैं यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो ये इस तरह की ड्राइंग आपके सामने भी बन के आ जाएगी फिलहाल हम ये अपने स्टेप वन ये करना है कि जैसे हम इस व्यू में आए और ये रेक्टेंगल जो है इसको हम डिलीट कर देंगे ये स्टेप वन हमने क्या किया रेक्टेंगल डिलीट की और एक नई रेक्टेंगल हम खुद से बनाएंगे आर ई सी एंटर इसको किसी भी एक कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे और इसका साइज जो है जित जितने साइज की आप शीट प्रिंट करना चाह रहे हैं से थर्टी बाय फोर्टी इसका मतलब है एक्स थर्टी होगा और कॉमा वाई जो है ये मैं इंचज की बात कर रहा हूँ फोर्टी तो जो रेक्टेंगल आपने साइज लगाना चाह रहे हैं थर्टी बाय फोर्टी के रेक्टेंगल और एंटर किया तो ये रेक्टेंगल जो है हमारे सामने ऊपर लग चुकी है अब हमने क्या करना है अब हम यहाँ पे ये कर्म करने के बाद दोबारा लेआउट में आके क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आएंगे पेज सेटअप मैनेजर में यहाँ पे आएंगे तो एक नई टैब ओपन होगी यहाँ से हम आएंगे मॉडिफाई में जैसे मॉडिफाई में आ गए कि हमारे पास एक और लेआउट पेज सेटअप लेआउट टू के नाम से टैब ओपन है यहाँ से नेम और फिलहाल है नन तो यहाँ से हम जो है इसको कर देंगे जनरल डॉक्यूमेंट ऑटो कैट टू तो पी क्योंकि पी बनाना चाह रहे हैं और जनरल डॉक्यूमेंटेशन पी सी थ्री ये अगेन देख लें नेम में आए हैं और दिस वन इसके ऊपर आपने यहाँ जो कर्सर में रखा हुआ क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे, प्रोपर्टीस में. प्रोपर्टीस में आ जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपर्टीज़ में आके हम करेंगे कस्टम पेपर पे क्लिक देन कस्टम पेपर पे क्लिक करने के बाद हम आएंगे कस्टम पेपर साइज़ पे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपना साइज जो हमने अपने से नया बनाया है और यहाँ पे हम करते हैं नेक्स्ट और यहाँ पे हम थर्टी बाय फोर्टी या आप फोर्टी बाई सिक्सटी करना चाह रहे हैं पहले आपने विड्थ और फिर हाइट नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट और फिनिश करेंगे इसको कर देंगे ओके अब अगर यहाँ पे आएँ और सबसे टॉप में आएँ ये पेपर साइज़ में तो ये आलिडी थर्टी फोर्टी यू हमारे पास थर्टी बाय फोर्टी का पेपर साइज़ बन चुका है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट हो रहे हैं और ये हमने खुद से बनाए हुए हैं तो यहाँ पे हम कर लेते हैं थर्टी बाय फोर्टी आप नोट करें तो वो बता भी रहा है आपको रिव्यू के अंदर ये हमने चेंजेस की फिलहाल हम करते हैं ओके जैसे ही हम क्लोज करते हैं तो आप नोट करें थर्टी बाय फोर्टी का जो है वो रेक्टेंगल ड्रा है और उसने इस पेज को भी थर्टी बाई फोर्टी का बना दिया है बट व्यू हमारा चेंज है दोबारा लेआउट में आएंगे क्लिक करेंगे पेज सेटअप मैनेजर में आएंगे मॉडिफाई में आएंगे जिसका पहले हमने किया था और यहाँ से हम इसको पोर्ट्रेट कर देंगे पहले लैंडस्केप था अब हम कर देते हैं इसको पोर्ट्रेट जैसे हम पोर्ट्रेट करेंगे और वो ओके okay करते हैं क्लोज करते हैं तो अब आप नोट करें काफ़ी हद तक हमारी रेक्टेंगल एडजस्ट हो चुकी है सिंपल हम इसको सेलेक्ट करके एम एंटर मूव की कमांड लगा के हम इसको ये एडजस्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास हमारी जो रेक्टेंगल है और पेपर साइज एडजस्ट हो चुका है अब हमने यहाँ पे कमांड लगानी है मल्टीपल व्यू एम वी एम वी ये कमांड है आप देखें सो एम व्यू यहाँ पे एम वी की कमांड लगा के एंटर करेंगे वो कह रहे है जी पहला पॉइंट स्पेसिफाई करें अब यहाँ पे आप पूरी रेक्टेंगल अगर ड्रा कर लेते हैं तो जैसे ही मैं रेक्टेंगल क्लिक करता हूँ तो अब आप नोट करें तो ये सारी चीज़ें जो हैं खुद ब खुद इसके अंदर आ चुकी हैं यही हमारी ड्राॅइंग्स बनी हुई थी अब यहां पे हम बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं अगर हम यहां पे करें एम एस एंटर तो अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये तो मैंने सिंपल MV एंटर किया आ आप अगर इसके अंदर मैं कुछ चेंज करना चाह रहा हूं तो मैं कमांड लगाऊंगा एम एस जैसे मैंने एम एस की कमांड लगाई तो आप नोट करें एडिटिंग की ऑप्शन ऑन हो चुकी है अब आप चाहें तो इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को जूम इन करके फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ इसका प्रिंट लेना है तो मैं एक ऑब्जेक्ट को भी जूम कर सकता हूं मैं चाहूँ तो वापस कर्सर को लेके और अगर मैंने इस व्यू से जब बाहर आना होगा

अगर मैं कंट्रोल जी करके हम एक मिनट वापस आ जाएं तो ये हमारे पास ये हमारे पास जो ड्राइंग थी तो हम एम वी फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने दोबारा मल्टीपल व्यू की कमांड लगाई और अगर मैं चाहूँ तो अब मैं मल्टीपल व्यूज़ भी बना सकता हूँ सपोज़ ये एक व्यू है अब मैं यहाँ पे दोबारा एम वी की कमांड लगा लेता हूँ और हम एक और व्यू भी बना सकते हैं अब मैं ये हमारे पास हो चुका है अब हम इस व्यू के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे हम कमांड लगाते हैं एम एस की अब मैं अगर चाहूँ ये इस व्यू में अगर हमें अब फर्ज करें मैंने इस व्यू में सिर्फ ये वाली ड्राइंग दिखानी है अब मैं इस व्यू में आ जाता हूँ इसमें तो इसमें भी हम लगाते हैं एम एस की कमांड इस व्यू में मैंने ये वाली ड्राइंग दिखानी है तो अब आप पे डिपेंड करता है आप जिस तरह के व्यूज़ एक बनाना चाहें या मल्टीपल व्यूज़ अगर आप एम वी कमांड लगाते जाएँ रेक्टेंगल्स बनाते जाएँ जो आपने ड्राइंग शो करनी है वो उसके अंदर शो करते जाएँ फॉर एग्जाम्पल मैंने इस ड्राइंग के अंदर सिर्फ डोर्स और विंडोज़ दिखानी है नीचे वाला मैं एक और एम वी बना देता हूँ और जब हमने इस व्यू से बाहर आना होगा तो हम करेंगे पी एस एंटर ये हम बाहर आ गए हैं मैं कंट्रोल जी करके वापस चला जाता हूँ जहाँ पे हमने स्टार्ट ये हमारे पास ये तो मैं दोबारा एक एम वी करके एक ही रेक्टेंगल में फिलहाल यहाँ पे क्विकली ये एम वी लगाया ये सारी चीज़ें अंदर आ गई अब यहाँ पे हमारे पास स्केल की ऑप्शन भी मौजूद है हम दोबारा अगर पेज सेटअप मैनेजर में जाएँ और अक्सर आपसे डिमांड की जाती है कि आपने जो है वो स्केल के अकॉर्डिंगली बनाना है फॉर एग्जामपल ये वन रेशो वन है इसका मतलब क्या है कभी मैंने कोई स्केल नहीं लगाया जितनी ड्राइंग की जो लिमिट्स जो फॉर एग्जाम्पल जो हाइट पैंतालीस है तो वो यहाँ भी पैंतालीस में ही शो हो रही है बट अगर आप स्केल लगा देंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वन रेशो एट किया तो इसका मतलब है जो मेरी लाइन अगर वहाँ पे एट फीट की लगी हुई है तो वो लेआउट में वन फीट की बन के नज़र आ रही होगी तो नीचे स्केल भी नज़र आ रहा होगा तो यहाँ से आप स्केल को वेरिएट कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स बाज़त रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वन रेशो एट के ऊपर आपने प्रिंट करना है वन रेशो फोर पे करना है वन रेशो टू पे करना है सो so, डिपेंड्स तो यहाँ पे अगर आप स्केल चाहें तो भी चेंज कर सकते हैं सो so, हम वापस ओके okay करते हैं और ये हमारे पास हम व्यू में आए हुए हैं अब यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन है और अगर हम एम एस लिखते हैं और हम यहाँ पे टेक्स्ट तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं ये सारा ऑप्शन एम टी कर लें हम कमांड यानी यहाँ पे ये ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं आप चाहें तो कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं टाइटल लिख सकते हैं यहाँ पे जो अक्सर लिखा हुआ होता है कि ये सबमिशन किसको करवा रहे हैं आप तो इसका मतलब है ये वैसा ही आपका ड्राइंग वाला मॉडल व्यू है इसके अंदर यू कैन मेक एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेस सारी कमांड्स अप्लाई होंगी अब फाइनल हम इसकी प्रिंटिंग की तरफ जाएंगे तो प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे हम कंट्रोल पी करेंगे कंट्रोल और पी इकट्ठा प्रेस करेंगे ये प्रिंट की तरफ हमें ले जाएगा हम कहेंगे कि यस कंटिन्यू टू प्लॉट अ सिंगल शीट हम जैसे यहाँ पे आ गए ये हमारे सामने ऑप्शंस दे रहा है लेआउट हमने प्रिंट करना है यस लेआउट ही करना चाह रहे हैं इसको ओके okay करते हैं और ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको सेव कर लें सो so, जहाँ पे भी आप सेव करना चाह रहे हैं सपोज डेस्कटॉप uh, के ऊपर ही फॉर एग्जाम्पल ये वीजू के नाम से जो फोल्डर है इसमें हमने ये हाउस प्लान लेआउट टू के नाम से इसको सेव करते हैं ये अभी हम सेव कर रहे हैं सो लेट्स ही तो अब ये यह यहाँ पर जो है ये हमारे पास प्रिंटिंग आ चुकी है अब हम इसको प्रिंट करा सकते हैं अभी क्योंकि हमने कुछ और ऐड नहीं किया था यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकते हैं किसको सबमिशन करवा रहे हैं ड्राइंग ज़्यादा हो सकती हैं सो मल्टीपल व्यूज़ में हम इसको तो इस तरह हम अपनी ड्राॅइंग की फाइनल जो है वो प्रिंटिंग करेंगे सो so, इस टॉपिक के अंदर हमने देखा कि किस तरह जो फाइनल हमारी ड्राइंग्स जब बन जाती हैं तो उसके हमने उसको आ, उसकी सेट लेउट सेटिंग करनी है और उसके बाद हमने उसकी प्रिंटिंग की तरफ लेके जाना है तो दो तीन जो कमांड्स थी वो आपने लाजमी है फॉर एग्जांपल एम एस एम वी थी एम एस है पी एस है ये दो तीन कमांड ही हैं आप चाहें तो जब मल्टीपल व्यूज़ बना सकते हैं उसके अंदर किसी भी और फिर हमने स्केलिंग देखी सो आई होप कि हमारा ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट है और अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स थ्री मॉडलिंग